स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC की ओर से नया और इम्पोर्टेंट अपडेट आ गया है। ये दिख रहे हैं आप लोग, एडेंडम करके है, सब्जेक्ट दिया है इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स फॉर वैकेंसीज ऑफ दिल्ली पुलिस एडवर्टाइज्ड बाय SSC NWR चंडीगढ़ वाइड पोस्ट, जिसका कोड नंबर दिया हुआ है NW11912 NW14621 इन रेस्पेक्ट ऑफ फेज 9 2021 सिलेक्शन पोस्ट के लिए। यानी फेज 9 का जो है 2021 पोस्ट का लिए उसमें दिल्ली पुलिस का एडवर्टाइज जो दिया था उसका कोड दिया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी को लेकर की यह अपडेट है। तो मैं आप लोगों को यह अपडेट पूरी तरीके से बताता हूँ कि क्या कह रहा है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले यहाँ पर है परमिसेबल एज रिलैक्सेशन बियॉन्ड द अपर एज लिमिट एंड कैटेगरी कोड फॉर क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन अगेंस्ट द वैकेंसी ऑफ दिल्ली पुलिस ओनली विल बी एज फॉलोज। तो यहाँ पे अपर एज लिमिट जो कैटेगरी कोड है उसमें से एज रिलैक्सेशन को लेकर के यह जानकारी दिया गया है जो कि वैकेंसी है दिल्ली पुलिस में। यहाँ पे देख रहे हैं कोड नंबर 14, कोड नंबर 15 और 16 है यहाँ पर। तो यहाँ पे कैटेगरी दिया है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स अनरिजर्व के लिए है, हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 ईयर्स ऑफ रेगुलर एंड कंटिन्यू सर्विसिंग इन दिल्ली पुलिस एज ऑन क्लोजिंग डेट। तो यहाँ पर जो है जो 3 साल तक कम से कम किए रहेंगे दिल्ली पुलिस में उनके लिए अपर, देखिए यहाँ पे दिया एज रिलैक्सेशन परमिशन बियॉन्ड द अपर एज लिमिट, तो उसके लिए अपर एज लिमिट जो है वो 40 साल तक है। यहाँ पर उसी प्रकार का यहाँ पे दिया है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट इसमें OBC के लिए, पहले जो था वह अनरिजर्व के लिए था, अब इसमें OBC के लिए, इसमें भी 3 साल के लिए बात कहा गया, तो इनके लिए जो है वो 43 साल तक आपका अपर एज लिमिट दिया गया है। उसी प्रकार से कोड नंबर 14 में जो है, यानी कि 16 में है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट SC ST के लिए जो कि 3 साल कम से कम किए हुए रहेंगे, तो उनको 45 साल तक आपको एज अपर एज लिमिट का परमिसेबल मिल जाएगा। इसके अलावा में यहाँ पे जो है 17 नंबर का जो है उसमें स्पोर्ट्स मैन और स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ डिस्टिंक्शन हु हैव रिप्रेजेंटेड ए स्टेट एट द नेशनल लेवल और द कंट्री एट द इंटरनेशनल लेवल इन स्पोर्ट्स ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑफ वैकेंसी। तो जो वैकेंसी दिया गया है उसके एडवर्टाइज से कम से कम वह 3 साल तक स्टेट लेवल में, नेशनल लेवल में या कंट्री लेवल में अगर खेल या फिर इंटरनेशनल लेवल में खेल चुका है इंटरनेशनल जो भी स्पोर्ट्समैन हो या स्पोर्ट्सवुमन, तो उनको 5 साल तक के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का बात किया गया है। इसके अलावा मैं ये जो इंपॉर्टेंट नोट दिया गया उसको देखते हैं, डिसिप्लिन ऑफ स्पोर्ट्स फॉर व्हिच रिलैक्सेशन अवेलेबल इज मेंशन इन द एनेक्सर बी दिया है, उसमें देखना है आपको। साथ साथ स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट विल बी इशूड टू परफॉर्म अटेस्ट एट द NXRC। तो ये जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होगा वो NXRC में है दिया गया है आप लोगों को, यहाँ पे मैं बताऊँगा। फिर फॉर नेशनल कंपटीशन के लिए है, अच्छा डी नंबर में जो है वो इंटरनेशनल कंपटीशन जो भी खेल चुके हैं उनको फोटोग्राफ कैंडिडेट्स अटेस्टेड होना चाहिए, ये भी सारा बताया गया है। उसके लिए स्टेट लेवल का स्टेट और नेशनल स्पोर्ट्समैन फेडरेशन से आपको अटेस्टेड किया जाना चाहिए। स्टेट द नेक्स्चर BC and D आर इंक्लोज हियर विथ, यहाँ पर दिया गया है नेक्स्चर आपको आगे मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 नंबर पर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स ऑफ दिल्ली पुलिस हैव टू सबमिट सर्टिफिकेट एज पर फॉर्मेट अटेस्ट NXRC फ्रॉम द कंपोनेंट अथॉरिटी ऑफ क्लेमिंग द बेनिफिट्स ऑफ एज रिलैक्सेशन एज व्हेन कॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन का जो फायदा उठाने के लिए आप लोगों को जो है वह NXRC में जो सर्टिफिकेट है उस प्रकार का आपको फॉर्मेट डालना है जो कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स दिल्ली पुलिस के होंगे उसको। इसके बाद में यहाँ पर जो 3रे नंबर पर है वह OBC सर्टिफिकेट इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, द कैंडिडेट्स फॉर OBC इज लिस्टेड बाई GNCTD बट द नॉट इंक्लूडेड इन सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC विल बी एक्सेप्टेड ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ दिल्ली पुलिस ऑफ रिजर्वेशन एंड द एज रिलैक्सेशन पर्पज, सच कैंडिडेट्स विल बी ट्रीटेड एज OBC फॉर द पोस्ट ऑफ दिल्ली पुलिस और एज एन UR फॉर ऑल पोस्टेड। तो यहाँ पर जो भी है OBC कैंडिडेट्स हैं जो कि यहाँ से निकाला हुआ रहेगा उनका, और वे लोग अगर लिस्ट में नहीं है, इंक्लूड नहीं है सेंट्रल लिस्ट में, तो फिर उनको जो है ट्रीट किया जाएगा OBC और साथ ही साथ अनरिजर्व की तरह से इसको ट्रीट किया जाएगा, ये भी यहाँ पे कहा गया है। इसके बाद में जो 4th नंबर पर कैंडिडेट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू ऑप्शन द मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट इन द सीरियल नंबर 23 ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एज पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन टू द रेस्पेक्टिव पोस्ट दैट इज फॉर द पोस्ट NWR 12221 एंड यहाँ पे फिर से कोड दिया हुआ है 12321 एज हिंदी फॉर द पोस्ट ऑफ NWR 128 एज इंग्लिश। तो यहाँ पे जो है कैंडिडेट्स को इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि जो स्किल टेस्ट होगा उसके लिए सीरियल नंबर जो था 23 उसमें एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन था उसमें से पोस्ट इतना है उसके लिए आपको हिंदी में और पोस्ट इतना है 128 उसके लिए इंग्लिश में आपको मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट होगा, ये भी दिख यहाँ पे बताया गया। साथ साथ यहाँ पे अंडर सेक्रेटरी यहाँ पे आप डेट भी देख सकते हैं। इसमें आप लोग अब
आगे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एनएक्सचर बी जो है उसमें देखिए अब लिस्ट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स है, आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, साइकिलिंग, इक्वेस्ट्रियन, फुटबॉल है। इसके बाद में आप लोग यहाँ पे और देख सकते हैं जिमनास्टिक, हॉकी, जूडो, कबड्डी, कराटे, खो खो, स्विमिंग, शूटिंग, टेबल टेनिस, टेनिस, ट्राइथलॉन, वॉलीबॉल, रेसलिंग और वेटलिफ्टिंग। ये सब सारे जो गेम्स हैं इसमें आप लोग स्पोर्ट्स मैन है या स्पोर्ट्स वुमेन है तो आप लोग इसके हिसाब से भी कर सकते हैं। अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ आगे में एनएक्सचर थ्री के बारे में जो कि फॉर्म टू है। यहाँ पे फोर रिप्रेजेंटिंग स्टेट इन इंडिया इन नेशनल कंपटीशन इन ऑन रिकॉग्नाइज्ड गेम्स एंड वर्ल्ड। यहाँ पे अगर स्टेट्स में आप नेशनल कंपटीशन में अगर आप भाग लें तो उसके लिए इस प्रकार का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर ये दिया गया है, यहाँ पर आप लोग पूरा फिल कर सकते हैं। इसके बाद में है एनएक्सचर डी है, यहाँ पर भी फॉर्म वन है। एनएक्सचर डी में क्या है, फॉर रिप्रेजेंटिंग इन इंडिया एंड इंटरनेशनल गेम्स कंपटीशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड गेम्स एंड स्पोर्ट्स। इसमें अगर आप लोग इंडिया को रिप्रेजेंट किए हैं इंटरनेशनल लेवल में तो फिर उसके लिए आपको एनएक्सचर डी जो है इस प्रकार का यहाँ पर फिल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एनएक्सचर जी जो है वह है सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड बाय डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स ऑफ दिल्ली पुलिस टू बी फिल्ड बाय द हेड ऑफ द ऑफिस। तो यहाँ पे जो है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो दिल्ली पुलिस के होंगे उनके लिए एनएक्सचर जी का जो सर्टिफिकेट है वह है, तो इसको ऑफिस में भरा जाएगा इस प्रकार का यहाँ पे दे दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया तो ये एक बहुत बड़ा नोटिस आया हुआ है फेज 9 2021 सिलेक्शन पोस्ट के लिए, जिसमें दिल्ली पुलिस को लेकर के भी बताया गया है चंडीगढ़ वाइड पोस्ट जो है। हम लोग यहाँ पे बिल्कुल चित्र देखते तो यह एक बहुत बड़ा अपडेट है।